अरे वंदे, तुम्हें पता है सकाराम चाचा की तबीयत खराब है। हाँ नन्ही, कल रात मेरे पिताजी भी इस बारे में बात कर रहे थे। चलो चलकर उनका हाल जानते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे भाई, सकाराम की तबीयत इतनी बिगड़ी थी लेकिन अब सुधार है। हाँ भाई, भला हो सरकार का जब देश में स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं अच्छे ढंग से लागू कर दी है। हाँ, वरना इतनी गंभीर बीमारी का इलाज कैसे हो पाता। सकाराम की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी कहाँ ही है। नमस्ते हरिराम काका। नमस्ते राम गोपाल काका। अरे नन्ही वंदे, खुश रहो, कैसे हो तुम दोनों। हम ठीक हैं। सकाराम चाचा की तबीयत कैसी है। सकाराम अब ठीक है। अच्छा, उन्हें बहुत गंभीर बीमारी थी ना। हाँ, लेकिन सरकारी योजना ने हर बीमारी का इलाज आसान कर दिया है नन्ही। सच में हरिराम काका, सरकार ने अब बीमारियों के इलाज के लिए भी योजनाएं लागू कर दी है क्या। हाँ हाँ बंदे, पिछले कुछ सालों में ना सिर्फ कई स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं लागू कर दी गई है बल्कि देश स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में काफी आगे बढ़ गया है। आज देश में 2,00,000 सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 750 जिला अस्पताल और 550 मेडिकल कॉलेजों का विस्तृत नेटवर्क फैला हुआ है। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में भी 15 से 20 गुना तक इजाफा हो चुका है। क्या अब इन स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर आसानी से इलाज करवाया जा सकता है। हाँ हाँ, हमारा देश अब स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है। ये सब अचानक नहीं हुआ है बल्कि देश को स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का मुख्य योगदान है। भाई हरिराम, नन्ही और वंदे अब बहुत सवाल करने लगे हैं। बच्चे काफी समझदार हो गए हैं, तुम इन्हें समझाओ, मैं चलता हूँ। हरिराम काका, हमें भी उन योजनाओं के बारे में बताओ ना जिससे अब लोगों का इलाज आसानी से हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ध्यान से सुनो। भारत सरकार ने स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और देश के सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए कई स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। इनमें से कुछ योजनाएं हैं आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, लक्ष्य कार्यक्रम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। पंचायती राज संस्थाएं लोकतांत्रिक स्थानीय सरकारी संस्थाएं हैं जो सुशासन, सामाजिक समावेश, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को स्थानीय नियोजन और विकासात्मक गतिविधियों की जिम्मेदारी अनिवार्य कर दी है। राज्यों के अधिनियमों द्वारा सौंपे गए ग्राम पंचायतों के कार्य ग्राम पंचायत के ऐसे कार्यों में अन्य बातों के साथ साथ सार्वजनिक स्वच्छता, पेयजल, आंतरिक संपर्क, स्ट्रीट लाइटिंग, खेल के मैदान का रखरखाव, पार्क और अन्य सामान्य कार्य। ग्राम पंचायत के कार्य सरकार के उच्च स्तर के एजेंट के रूप में संघ और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में इसमें ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता के कार्यक्रम शामिल है। ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली 29 गतिविधियों के अनुसार स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। हरिराम काका, सरकार की इन योजनाओं के बारे में हमें विस्तार से बताओ ना। हाँ हाँ बताता हूँ, सब कुछ ध्यान से सुनते रहो। आयुष्मान भारत।
भारत सरकार की एक प्रमुख योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश पर शुरू की गई थी। इस पहल को सतत विकास लक्ष्यों और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत दो अंतर संबंधित घटक शामिल है, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र फरवरी 2018 में भारत सरकार ने मौजूदा उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर 150,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने की घोषणा की। यह केंद्र व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए है, जो स्वास्थ्य सेवा को लोगों के घरों के करीब लाते हैं और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न रोगों को कवर करते हैं। इस योजना में आवश्यक दवाएं और उपचार सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की परिकल्पना उनके क्षेत्र में पूरी आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने, समुदाय के करीब पहुंच और समानता का विस्तार करने के लिए सेवाओं की एक विस्तृत सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम पर जोर लोगों और समुदायों को स्वस्थ व्यवहार चुनने और पुराने रोगों के उपचार कर आम जनता के स्वास्थ्य को सुधारने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो पीएम जय के नाम से भी जानी जाती है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत पीएम जय दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को इस योजना में तहत अस्पताल में भर्ती कर इलाज करवाने का प्रावधान है। हर परिवार को 5 लाख रुपए तक लागू किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अभाव और व्यवसायिक मानदंडों पर किया जाएगा। यह हम सभी का दायित्व है कि हर गरीब के लिए, हर देशवासी के लिए मुश्किल समय में अस्पताल के दरवाजे खुले रहने चाहिए, बेहतर इलाज उपलब्ध होना चाहिए। भाई और बहनों, आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये देश के सामान्य मानवीय के गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये भारत के रूप में 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में गरीब को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के प्रयास पहले भी हुए। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सीमित स्तर पर हर संभव कोशिश की है। राज्यों की तमाम सद्भावनाओं के बावजूद ना तो गरीबों को वो लाभ मिल पा रहा था और ना ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई सुधार हो पा रहा था। लेकिन आयुष्मान भारत ने सिद्ध कर दिया कि जब भारत की सामूहिक ताकत अगर कहीं पर भी लग जाती है तो उसका लाभ और शक्ति बहुत व्यापक हो जाती है, विराट हो जाती है। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है, और जो पहले असंभव था। यही कारण है कि बीते एक वर्ष में करीब 50,000 लाभार्थियों ने अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में इस योजना का लाभ लिया।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य विशेषताएं। पीएम जय दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है। भारत में सार्वजनिक और निजी पैनल में शामिल अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करता है। 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर हकदार परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पीएम जय लाभार्थी को सेवा के बिंदु पर यानी अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए कैशलेस एक्सेस प्रदान करता है। पीएम जय का लक्ष्य चिकित्सा उपचार पर होने वाला खर्च को कम करने में मदद करना है, जो हर साल लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेलता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों के खर्च जैसे निदान और दवाएं शामिल है। परिवार के आकार, उम्र या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है, यानी लाभार्थी कैशलेस इलाज का लाभ उठाने के लिए भारत में किसी भी सार्वजनिक या निजी अस्पताल में जा सकता है। सेवाओं में उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करने वाली लगभग 1,393 प्रक्रियाएं शामिल है, जिनमें दवाएं, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सक की फीस, कमरे का शुल्क, सर्जन शुल्क, ओटी या और आईसीयू शुल्क आदि शामिल है। लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों के समान स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है। सजार सरकारी खजानों को बेतहाशा लूटा गया, हमने वो रास्ता छोड़ दिया। हम चाहते हैं देश कभी भी उस रास्ते पर वापस ना लौटे। हमारा मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। संप्रदाय के आधार पर आयुष्मान भारत योजना नहीं होगी, जाति के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं होगी, ऊंच नीच के भेदभाव के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास, किसी भी जाति से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, ईश्वर को मानता हो न मानता हो, मंदिर में जाता हो, मस्जिद में जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, चर्च में जाता हो, कोई भेदभाव नहीं, हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। यही है सबका साथ सबका विकास। साथियों, ये योजना कितनी व्यापक है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी और लीवर की बीमारी, डायबिटीज समेत 1300 से अधिक बीमारियों को, उसके इलाज को इस योजना में शामिल किया गया। 1300 इन गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी नहीं बल्कि देश के प्राइवेट अस्पतालों में भी सुलभ होगा। 5 लाख तक का जो खर्च है उसमें अस्पताल में भर्ती होने के अलावा जरूरी जांच, दवाई, भर्ती से पहले का खर्च और इलाज पूरा होने तक का खर्च उसमें शामिल है। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी खर्च इस योजना द्वारा उठाया जाएगा। इतना ही नहीं,
देश भर के हर लाभार्थी तक सही से इसका लाभ पहुंचा पाए, उसका भी प्रभावी इंतजाम किया गया है। आपको इलाज के लिए भटकना ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं खड़ी की गई है। सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई जरूरतमंद छूट न जाए, इसकी समीक्षा निरंतर चल रही है। पीएम जय के तहत लाभ। पीएम जय सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्थितियों के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक पात्र परिवार को 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस कवर प्रदान करता है। योजना के तहत कवर में उपचार के निम्नलिखित घटकों पर किए गए सभी खर्च शामिल है: चिकित्सा जांच, उपचार और परामर्श, पूर्व अस्पताल में भर्ती, दवा और चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं, गैर गहन और गहन देखभाल सेवाएं, नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं, आवास लाभ, खाद्य सेवाएं, उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक अनुवर्ती देखभाल के लाभ फैमिली फ्लोटर आधार पर है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। अरे वाह हरिराम काका, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हमारा देश सच में काफी आगे निकल गया है। हाँ, और ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत तो आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। हाँ, आयुष्मान भारत की पीएम जय योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य हर परिवार को हर साल 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज का लाभ पहुंचाना है। इस योजना से लगभग 10.5 लाख करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों को लाभ मिलेगा। काका, सरकार की इस योजना का लाभ कौन ले सकता है? क्या सभी को इसका लाभ मिल पाएगा? सरकार ने इस योजना के तहत कुछ नियम भी बनाए हैं और इसमें कई ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणियां भी शामिल की है। चलो मैं इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5,00,000 रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या जब हम यहां बैठते हैं तो कल्पना नहीं आती है। पूरा यूरोपियन यूनियन 27-28 देश, पूरा यूरोपियन यूनियन उसकी जितनी आबादी है उतने लोगों को भारत में ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है। पूरे अमेरिका की जनसंख्या, पूरे कनाडा की जनसंख्या, पूरे मेक्सिको की जनसंख्या, इन तीनों देशों की जनसंख्या मिला ले और जितनी संख्या होती है उससे भी ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना से देश के लोगों की
आरोग्य की चिंता होने वाली है। पीएम जय के तहत कवरेज स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में किसी भी देश की सबसे गरीब और सबसे कमजोर आबादी को शामिल करना अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वे कोई प्रीमियम नहीं दे सकते और इन परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सबसे कठिन होता है। कई बार वे पढ़े लिखे भी नहीं होते और इसलिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। पीएम जय के तहत शामिल ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणियां कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा, 16 से 59 वर्ष के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं, महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार, भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से प्राप्त करते हैं, स्वचालित रूप से शामिल आश्रय रहित परिवार, बेसहारा भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले परिवार, आदिम आदिवासी समूह, राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थी सशक्तिकरण के लिए NHA द्वारा की गई प्रमुख पहल, राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थी सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें नीचे सूचीबद्ध है। 24x7 राष्ट्रीय टोल फ्री कॉल सेंटर, NHA ने 24x7 राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन 1455-1800-111-565 स्थापित की है। अत्याधुनिक बहुभाषी कॉल सेंटर के साथ समर्थित यह देश भर में लाभार्थियों और अन्य हितधारकों को किसी भी जानकारी, सेवा अनुरोध, समर्थन या शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। लाभार्थी स्वयं सहायता पोर्टल, एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब पोर्टल mera.pmj.gov.in शुरू किया गया है ताकि लोग PMJ के तहत अपनी पात्रता का पता लगा सके। पोर्टल पैनलबद्ध अस्पतालों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। PMJ मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से लाभार्थियों को उनकी पात्रता, निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल और स्वयं सहायता का पता लगाने की अनुमति देता है। एक साधारण व्यक्तिगत उपकरण के रूप में यह लाभार्थियों को उनके हकदार लाभों को जानने और निकटतम सूचीबद्ध अस्पतालों तक पहुँचाने के लिए सशक्त करेगा। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। शैक्षिक सामग्री के साथ ई कार्ड, नया डिजाइन किया गया ई कार्ड अब लाभार्थी को योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जागरूक करने के लिए शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है। PMJ वेबसाइट और संचार अभियान, PMJ वेबसाइट और संचार अभियान, PMJ पात्रता, 24x7 कॉल सेंटर, लाभार्थी स्वयं सहायता पोर्टल के बारे में जानकारी देता है जिससे लाभार्थी सशक्तिकरण के संदेश को बड़े दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। केंद्रीय शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना, NHA ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की है। PMJAY लाभार्थियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों के विवादों और शिकायतों को एक कुशल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हल किया जाए। काका, हमारा देश तो सच में हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। हाँ काका, सरकार की ये योजनाएं सिर्फ लोगों के लिए ही लाभकारी नहीं है बल्कि देश को डिजिटल बनाने में भी सहायक है। हाँ हाँ नन्ही, देखो
हमारा देश बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है। अब तो सवाल भी मोबाइल पर पूछे और जवाब भी मोबाइल पर सुने जा रहे हैं। बहुत बोलने लगे हो तुम दोनों। चलो मैं अब तुम्हें सरकार के लक्ष्य और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ये लक्ष्य और कार्यक्रम खासकर महिलाओं के लिए रखे गए हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम लागू किए गए हैं? हाँ नन्ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के बाद अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव की संख्या काफी बढ़ी है। उसके लिए सरकार ने लक्ष्य कार्यक्रम की शुरू किया है, जिसके तहत प्रसव के दौरान देखभाल से संबंधित प्रक्रियाओं में एक परिवर्तनकारी बदलाव करना, जो कि अनिवार्य रूप से मात्र और प्रसव के दौरान अस्वस्थता और तत्काल प्रसवोत्तर देखभाल से संबंधित है। लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष देखभाल के स्तर में सुधार करना है। काका, इस योजना के बारे में विस्तार से बताओ ना। हाँ हाँ, बताता हूँ। लक्ष्य कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। लक्ष्य: लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी में प्रसव के दौरान देखभाल से जुड़ी रोकी जा सकने वाली मातृ और नवजात मृत्यु दर, रुग्णता और मृत जन्म को कम करना और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना। उद्देश्य: एपीएच, पीपीएच, रिटेंट, प्लेसेटा, प्रीटरम, प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, बाधित प्रसव, प्रसव पूर्व सेप्सिस, नवजात शवासावरोध और सेप्सिस आदि के कारण मातृ और नवजात मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए। प्रसव के दौरान देखभाल की गुणवत्ता में सुधार और तत्काल प्रसवोत्तर देखभाल, जटिलताओं का स्थिरीकरण और समय पर रेफरल सुनिश्चित करना और एक प्रभावी दो तरफा अनुवर्ती प्रणाली को सक्षम करना। स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करने वाले लाभार्थियों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भाग लेने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानजनक मातृत्व देखभाल प्रदान करना है। लक्ष्य पहल के तहत प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित सुविधाएं ली जाएंगी: सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सभी जिला अस्पताल और समकक्ष स्वास्थ्य सुविधाएं, पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में सभी नामित एफआरयू और हाई केस लोड सीएचसी 100 से अधिक डिलीवरी प्रति माह 60 के साथ, प्रजन, मातृ, नवजात, बाल स्वास्थ्य और किशोर सेवाएं। यह कार्यक्रम बढ़ते मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य मृत्यु दर, संबंधित कारणों को दूर करने और कमजोर आबादी द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच और उपयोग में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के उपघटक इस प्रकार है: प्रोत्साहन जननी सुरक्षा योजना। यह योजना मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए है, जिनमें सार्वजनिक संस्थानों में प्रसव के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। सभी रोगियों को उनकी बीपीएल स्थिति के बावजूद प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों इत्यादि में प्रसव को सुविधाजनक बनाया जा सके। निशुल्क रोगी पात्रता जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। JSSK योजना गर्भवती महिलाओं के लिए कैशलेस डिलीवरी और सी सेक्शन सुनिश्चित करती है और एक साल तक बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल की सुविधा प्रदान करती है, ताकि परिवारों का ज्यादा खर्च ना हो। चिकित्सा शिक्षा को पुनः निर्देशित करना, कौशल प्रयोगशालाएं, RMNCH+A सेवाओं के लिए
सेवाकालीन और सेवा पूर्व प्रशिक्षण दोनों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की योग्यता आधारित प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि के लिए कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। इस प्रकार ANM, GNM और दाई के लिए पाठ्यक्रमों के मौजूदा कर्मियों और प्रशिक्षित छात्रों को नई तकनीक या दोबारा ट्रेनिंग करने का प्रावधान है। क्षमता निर्माण दक्षता कार्यक्रम, यह श्रम कक्ष में सेवा प्रदाताओं के लिए श्रम, प्रसव और प्रसवोत्तर के दौरान सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। प्रोत्साहक स्वास्थ्य है, माताओं का पूर्ण स्नेह, यह स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल कार्यक्रम है। PPP मोड द्वारा पहुंच में सुधार, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, PMSMA के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हीमोग्लोबिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट आदि सहित सभी सरकारी चिकित्सा सुविधाओं में मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक इलाज किया जाता है। निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञों के इन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वेच्छा से भाग लेने और प्रसव पूर्व जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी, लिंग आधारित हिंसा, आशा और नैदानिक सेवा प्रदाताओं को गैर सरकारी संगठनों और महिला सहायता समूह के समर्थन से ऐसे मामलों की पहचान करने, परामर्श देने और उच्च केंद्रों को संदर्भित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाता है। सेवाओं की निगरानी और जवाबदेही, मातृ मृत्यु समीक्षा, सुविधा आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा और समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा दोनों का उद्देश्य सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए मातृ मृत्यु के कारणों और सेवा वितरण में अंतराल की पहचान करना है। शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करना, मिशन इंद्रधनुष। नियमित टीकाकरण के तहत बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके दिए जाते हैं। खसरा के साथ विटामिन ए की खुराक भी दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टॉक्साइड दिया जाता है। ये टीकाकरण विशेष टीकाकरण सप्ताहों के दौरान सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिरक्षण सत्रों द्वारा आयोजित किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष यह सुनिश्चित करता है कि 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सभी उपलब्ध टीकों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का उद्देश्य बच्चों के जीवन में स्वास्थ्य में सुधार करना है। 18 वर्ष तक के बच्चों में जन्म के समय दोष, रोग, विकास, विकास में कमी, विकलांगता आदि का पता लगाकर उनका इलाज करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इनमें स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रत्येक ब्लॉक में समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से 38 चिन्हित बीमारियां शामिल है। जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र आगे की जांच, प्रबंधन सहायता और उच्च केंद्र के लिए रेफरल के लिए स्थापित है। सामान्य बचपन की बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन, डायरिया, निमोनिया और मलेरिया की रोकथाम, शीघ्र पहचान और प्रबंधन के लिए सुविधाएं। पोषाहार पुनर्वास केंद्र NRC की स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेष रूप से DH और FRU में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इन पेशेंट प्रबंधन के लिए की जाती है। इनमें माताओं को उचित आहार देने और छुट्टी पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परामर्श दिया जाता है। निगरानी बाल मृत्यु समीक्षा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की रिपोर्ट करना और उसकी समीक्षा करना एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। वाह हरिराम काका, आपने तो हमें बहुत कुछ नया बताया।
हाँ काका, ये तो हमारे लिए बहुत खास और नई जानकारी है। हाँ चलो, अब बहुत बात कर ली मैंने तुमसे, तुम दोनों बहुत नटखट हो, मैं चलता हूँ और तुम दोनों भी अपने घर जाओ, बहुत देर हो गई है, अपना ध्यान रखना तुम दोनों। जी काका जी। पता है बंदे, कल मैंने अपने पिताजी से भी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के बारे में बात की। हाँ नन्ही, मेरे पिताजी ने भी मुझे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में बताया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? हाँ, यह भी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य योजना का हिस्सा है, जो भारत सरकार ने देश में डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के एकीकरण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया है। वंदे, मुझे भी सरकार के इस मिशन के बारे में बताओ ना। हाँ हाँ बताता हूँ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के एकीकरण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तैयार किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत इस दूरदर्शी पहल की शुरुआत कर भारत में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को रणनीति तैयार करने, तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन की भूमिका सौंपी गई है। NHA आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष निकाय भी है। ABDM कई मंत्रालयों विभागों के बीच एक सहयोगी पहल है। दृष्टि, इस मिशन का उद्देश्य एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिसके तहत गरीब परिवारों को आसान व सुरक्षित तरीके से सस्ती स्वास्थ्य कवरेज प्रदान की जा सके। इस मिशन द्वारा डेटा, सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान के माध्यम से एक निर्बोध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी तैयार किया गया है। इंटर ऑपरेबल मानक आधारित डिजिटल सिस्टम की स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ABDM घटक स्वास्थ्य आईडी, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में किसी व्यक्ति की पहचान की प्रक्रिया को
मानकीकृत करना महत्वपूर्ण है। हेल्थ आईडी का उपयोग विशिष्ट रूप से व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें प्रमाणित करने और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को कई प्रणालियों और हितधारकों में फैलाने के लिए किया जाएगा। स्वास्थ्य आईडी मूल जानकारी मोबाइल नंबर या आधार कार्ड संख्या का उपयोग करके बनाई जाती है और यह एक व्यक्ति के लिए एक अलग आईडी होगी। स्वास्थ्य आईडी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के समर्थन से प्राप्त की जा सकती है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य अवसंरचना रजिस्ट्री में है या इसे मोबाइल या वेब एप्लीकेशन से स्वयं पंजीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री। हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में शामिल सभी स्वास्थ्य पेशावरों का एक व्यापक भंडार है। हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री में नामांकन करने से वे भारत के डिजिटल हेल्थ के बड़े सिस्टम से जुड़ सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, यह चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक भंडार है। इसमें अस्पतालों, क्लिनिकों, नैदानिक प्रयोगशालाओं और इमेजिंग केंद्रों, फार्मेसियों आदि सहित सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री में नामांकन कर यह वे भारत के डिजिटल स्वास्थ्य सिस्टम से जुड़ने में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, एक व्यक्ति स्वास्थ्य रिकॉर्ड या PHR एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से रोगी एक निजी, सुरक्षित और गोपनीय वातावरण में अपनी स्वास्थ्य जानकारी को बनाए और प्रबंधित कर सकते हैं। विजिट की गई स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के साथ हेल्थ आईडी बनाकर और लिंक करके नागरिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक अनुदैर्ध्य दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। फंदे, डिजिटल भारत के साथ साथ देश में कितनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं? हाँ नन्ही, ये सरकार के अच्छे काम और योजनाओं का ही नतीजा है। पता है, मेरे पिताजी कह रहे थे कि ABDM हेल्थ रिकॉर्ड्स के मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं। अच्छा, मुझे भी बताओ ना। हाँ रुको, बताती हूँ। ABDM हेल्थ रिकॉर्ड्स मोबाइल एप्लीकेशन मुख्य विशेषताएं। स्वास्थ्य रिकॉर्ड को प्रबंधित करने के लिए एक अद्वितीय स्वास्थ्य आईडी बनाने का विकल्प। स्वास्थ्य आईडी को अस्पताल, क्लिनिक और प्रयोगशालाओं सहित विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से जोड़ने का विकल्प। फोन पर लिंक की गई स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से स्वास्थ्य डेटा का अनुरोध करने का विकल्प और उंगलियों पर स्वास्थ्य डेटा का एक अनुदैर्ध्य दृश्य है। यदि कोई डॉक्टर, लैब या क्लिनिक स्वास्थ्य डेटा देखने का अनुरोध करते हैं तो उन्हें अस्वीकार करने या अनुमति देने का विकल्प। अवसर, मौजूदा मजबूत सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना डिजिटल प्रबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को सुव्यवस्थित करने के अवसर प्रदान करती है। ABPM JAY के अनुभव का उपयोग सभी निवासियों तक डिजिटल स्वास्थ्य की सूचना का विस्तार करने और निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, सरकार और शोधकर्ताओं को सशक्त बनाने वाली एक आसान और प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां एक अधिक समग्र डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है जो स्वास्थ्य सेवाओं तक सामान पहुंच को बढ़ा सकती है, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करती है और लागत कम कर सकती है। लाभ, ABDM के कार्यान्वयन से समग्र रूप से स्वास्थ्य सेवा वितरण की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। रोगी अपने मेडिकल रिकॉर्ड,
को सुरक्षित रूप से स्टोर और एक्सेस करने में सक्षम होंगे और उचित उपचार और अनुवर्ती सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ साझा करेंगे। लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवा प्रदाताओं के बारे में अधिक सटीक जानकारी तक पहुंच होगी। इसके अलावा उनके पास टेली परामर्श और ई फार्मेसी के माध्यम से दुरुस्त रूप से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने का विकल्प होगा। ABTM व्यक्तियों को सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने का विकल्प प्रदान करेगा, निर्धारित दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुपालन की सुविधा प्रदान करेगा और प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सेवाओं के मूल्य निर्धारण और जवाबदेही में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसी तरह अधिक उपयुक्त और प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को निर्धारित करने के लिए सभी विषयों में स्वास्थ्य देखभाल पेशावरों के पास रोगी के चिकित्सा इतिहास तक बेहतर पहुंच होगी। एकीकृत परिस्थिति की तंत्र बेहतर देखभाल को भी सक्षम बनाएगा। ABTM दावों की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और तेजी से प्रतिपूर्ति को सक्षम करने में मदद करेगा। साथ ही नीति निर्माताओं और कार्यक्रम प्रबंधकों के पास डेटा तक बेहतर पहुंच होगी, जिससे सरकार को अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। मैक्रो और माइक्रो लेवल डेटा की बेहतर गुणवत्ता, उन्नत विश्लेषण, स्वास्थ्य बायोमार्कर के उपयोग और बेहतर निवारक स्वास्थ्य देखभाल को सक्षम बनाएगी। यह भूगोल और जनसांख्यिकी आधारित निगरानी और स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन को मजबूत करने और डिजाइन बनाने के लिए उचित निर्णय लेने में भी सक्षम करेगा। अंत में शोधकर्ताओं को ऐसी समेकित जानकारी की उपलब्धता से बहुत लाभ होगा, क्योंकि वे विभिन्न कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का अध्ययन और मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। ABTM शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और प्रदाताओं के बीच एक व्यापक फीडबैक लूप की सुविधा प्रदान करेगा। एक व्यापक राष्ट्रव्यापी एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थिति की तंत्र स्थापित करके ABTM राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और स्वास्थ्य से संबंधित SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ABTM भारतीय डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम के लिए एक नई शुरुआत करेगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं के अधिक प्रभावी वितरण को सक्षम करेगा और सभी को स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा। अरे नन्ही, सरकार की इन योजनाओं से देश भर की जनता को कितना फायदा हो रहा है ना? हाँ वंदे, अब बीमारी बड़ी हो या छोटी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने योजनाएं जो लागू कर दी हैं। हाँ, अब बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। हाँ हाँ वंदे, ये सरकार की योजना का ही तो सहारा था कि सकाराम काका इतनी गंभीर बीमारी से भी ठीक हो गए।